ए हो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज हम बिट्टू आईटी के बारे में जानने वाले हैं, तो शुरू करते बिना किसी देरी के। ये एक ऐसा क्रिएटर है जिसके गेम में हमेशा कोई ना कोई यूट्यूबर तो आता ही है, कभी अमीर भाई तो कभी राइस्टर। उसने मेरे को इमोट दिखाया, ऐसे बंदे आते ही है। और ये वही बंदा है जो हैकर लेके ग्रैंड मास्टर पहुंचता है। फिर उसके बाद किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं हैकर लेके क्यों खेल रहा हूँ। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ ग्लोबली। मैं इंडिया हाईएस्ट मजदूर बनना चाहता हूँ। ये वही बंदा है जो हैकर के साथ खेलता है, और पता नहीं कब ये रातों रात ग्रैंड मास्टर में टॉप वन चले गया। हैकर के साथ एक ऐसे भी कुछ कह नहीं सकते, चार की केडी। ग्रैंड मास्टर बंदे ने चार की केडी रख लिया भाई, बहुत बढ़िया। अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि बंदों को देख के पहचान सकता हूँ कौन हैकर के साथ खेलता है और कौन हैकर के साथ नहीं। तो बिट्टू आईटी हैकर के साथ खेलता है और ये मज़दूरों में नंबर वन है। तो एक बात कहना चाहता हूँ बिट्टू आईटी तुमसे, फ्री फायर की जनता ई स्पोर्ट में मरती है, ना कि मज़दूरों पे। क्या करते तुम लोग? सही अमित भाई के साथ डालो तो भी कुछ नहीं होता। फेक बना बना गया। अमित भाई ने बोला है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी चल रहा है भाई ऐसा। मैं तो सोच रहा हूँ जो उसके 5 लाख सब्सक्राइबर है तो वो 5 लाख बच्चे तो नहीं है जो थंबनेल देख के पिघल गए। इस वीडियो का मकसद यही है कि किसी का फैन बनना बुरी बात नहीं है, किसी का अंधभक्त बन जाना गलत है। अगर ये वीडियो ज़्यादा लोगों ने सुनी तो मेरे पे स्ट्राइक भी आ सकता है, तो आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या होता है आगे। और आखिरी बात यही कहना है कि ग्रैंड मास्टर पहुँचना गलत नहीं है, बस गलत तरीके से पहुँचना गलत है। हैकर लेके डबल रैंक टोकन से कुछ भी करके, मतलब वो पहुँचना गलत है ग्रैंड मास्टर ऐसे करके। आई होप तुम्हें वीडियो समझ आई होगी, अगर समझ आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज की लिंक दे रखी है, उसे फॉलो भी कर दो और इंस्टाग्राम भी मेरे को फॉलो कर दो। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिल। मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें आई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।